हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मुकेश कुमार तिवारी फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट फॉर द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एंड एज यू नो वेरी वेल दैट द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल इज बेस्ड अपॉन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर एक्सप्लेन्ड बाई द रदरफोर्ड, बट सम ऑफ द डीमेरिट्स वी ऑल्सो फाइंड एंड वॉट इज द डीमेरिट इन देयर मॉडल्स। टूडे वी हैव टू टॉक अबाउट फॉर देयर drawbacks, or you can say also the demerits. Clear? So let's start. Demerit of Rutherford model. Demerit of Rutherford model. What is the demerit of Rutherford model? Clear? As you know, Rutherford suggested earlier that atom is spherical in shape, and in the center of the atom a positively charged nucleus are present, and in this nucleus proton are present, but the space around the nucleus, this space around the nucleus is known as orbit, and in this orbit the electron revolve continuously. So this is the assumptions of Rutherford model. That means Rutherford suggested that electron revolves around the nucleus in the orbit, and protons are present inside the nucleus. Here, this is the Rutherford model. But all the things are very easy to understand by his model. But a new scientist, or when the new things were introduced, then his model start to or there are so many demerits we consider in their models. Clear? So what is the concept given by the different scientists? First of all, we talk about a scientist named was James Clerk Maxwell in 1870 he proposed a theory that is known as electrodynamic theory. Clear? That is you know about the thermodynamics. That means the flow of heat, flow of electron or electric charge, so on. Clear? So here we talk about for the electrodynamic theory. When electrodynamic theory proposed by Maxwell, when comes in contact to, then there is of demerit is isolated by James Clerk Maxwell in the model of Rutherford. So let me explain this point in Hindi also. यहाँ पर हम लोग demerits को consider कर रहे हैं, और demerits क्या है इसको find out किया गया कब, जब Maxwell के concept को introduce किया गया इनके model में. अब question ये है कि Maxwell का concept था क्या. तो Maxwell ने अपने इस theory में ये बताया कि जब भी when a charged particles revolve with respect to the another charged particle continuously, then it will emit a some kind of energy or radiation. Yani Maxwell ne apne is theory mein ye bataya ki agar ek charged particle kisi dusre charged particles ke charo taraf agar ghumega, continuously revolve karega, to ek aisa situation aa jayega कि उसकी एनर्जी, यानी जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी बात हो रही है,
जो रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी धीरे 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 क्या होगी, लॉस होगी। और एनर्जी लॉस क्यों हो रही है, क्योंकि वो एक तरह का रेडिएशन इमिट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वहां पर एक तरह का रेडिएशन भी इमिट करेगा, और उसी रेडिएशन के वजह से जो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, लूज होगी या कम हो जाएगी, और फाइनली एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि वो चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर जाकर गिर जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को रदरफोर्ड के मॉडल में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली घूमता रहता है, वो भी किसकी तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। जो एम्प्टी स्पेस है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक वर्ड उन्होंने गलती क्या कर दिया कि कॉन्टिन्यूसली घूम रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली अगर घूमेगा तो वो भी तो, जैसे इलेक्ट्रॉन एक हमारा चार्ज पार्टिकल है, अब प्रोटॉन हमारा दूसरा चार्ज पार्टिकल है, तो जब एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में अगर रिवॉल्व करेगा तो जो रिवॉल्व कर रहा है चार्ज पार्टिकल उसकी एनर्जी लॉस होगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होगी, रेडिएशन के फॉर्म में लॉस होगी। और जब ऐसा होगा तो धीरे 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 एनर्जी खत्म हो जाएगी और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन जाकर न्यूक्लियस पर फॉल हो जाएगा। और जब ऐसा होगा, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा तो उस पूरे एटम की स्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी फिर हम वहीं पहुंच गए जहां से थॉमसन ने हमें शुरुआत दिलाया था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक साथ रखने का काम किया थॉमसन ने, और रदरफोर्ड के मॉडल में भी उन्होंने अलग करने की कोशिश तो की, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी जो आ गई, इस थ्योरी ने फिर ये क्या किया कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी लिमिट करेगा तो वो तो जाकर न्यूक्लियस पे ही तो गिरेगा, तो ऐसे में अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे फॉल हो जाता है तो एटम की स्टेबिलिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से अब जो थॉमसन थे वो बेचारे एकदम फंस गए का मतलब उनके पास अब कोई इस तरह का क्लू नहीं था जिससे वो अपनी बातों को सामने रख पाए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, और ये रिवॉल्व करते 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 ये न्यूक्लियस के करीब में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी लॉस हो रही है, और ये एनर्जी जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये एनर्जी किस फॉर्म में इमिट कर रहा है, रेडिएशन के फॉर्म में इमिट कर रहा है। किस फॉर्म में? रेडिएशन के फॉर्म में। तो इसी रेडिएशन, ये रेडिएशन इमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, या एनर्जी उसकी खत्म हो रही है तो वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, जैसे स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ से एक नई चीज, अब इस कमी को एक्सप्लेन करने का काम किया था बोर ने, जो आप क्लास 9 में पढ़े हो, यहाँ से हम तुरंत पढ़ना शुरू करते हैं बोर मॉडल। लेकिन हम यहाँ से अब बोर मॉडल नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से एक वर्ड आ गया है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम रेडिएशन को केवल रेडिएशन न करके हम इसको कहेंगे ये जो रेडिएशन वर्ड आया है, अब बोर मॉडल पे हम लोग बाद में चलते हैं, पहले रेडिएशन क्लियर करते हैं। ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना। केवल रेडिएशन नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या। इसमें हमें पढ़ना है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये टॉपिक हमारा यहां से शुरू हो रहा है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या
इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कहीं कहीं डुअल नेचर ऑफ मैटर भी नाम दिया गया है, डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना। अब यहां पर डुअल नेचर में दो नेचर आपको पढ़ने हैं, एक नेचर है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और दूसरा नंबर जो है इसको हम कहते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। यानी अब हमें यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक टॉपिक पढ़ना है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ड्यूअल नेचर होते हैं, ड्यूअल बिहेवियर होता है, यानी ये दो तरह का नेचर शो करता है, एक वेव नेचर होता है और एक इसका पार्टिकल नेचर होता है। तो दोनों हम वन बाय वन कंसीडर करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या। हम लोग ऐसे सराउंडिंग में रह रहे हैं, ऐसे जगह पे हैं जहां हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो ऑनलाइन पढ़ाई पॉसिबल कैसे है, क्योंकि आपके मोबाइल में नेटवर्क अच्छा आ रहा है, नेटवर्क के साथ साथ आपके यहाँ जो ये इंटरनेट का जो स्पीड है वो अच्छा है, तो आखिर आपके मोबाइल में नेटवर्क कहाँ से आ रहा है, आपके मोबाइल में इंटरनेट कैसे आ रहे हैं, दैट इज रेडिएशन। ये सब क्या है, एक तरह का रेडिएशन है, और उसी रेडिएशन को हम नाम देंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है ना। यानी सैटेलाइट भेजा गया है, अलग अलग कंपनियों के सैटेलाइट है, और उस सैटेलाइट से आपके मोबाइल में नेटवर्क्स भेजे जा रहे हैं, यानी वो नेटवर्क्स किस फॉर्म में आ रहे हैं, रेडिएशन के फॉर्म में आ रहे हैं, क्लियर। इसके अलावा आप जो छोटे से छोटे, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में टेलीविजन देखते हो, तो तुरंत आप रिमोट लेकर चैनल चेंज कर देते हो, तो आखिर उस रिमोट से जो सेल लगाया गया है उसमें से क्या ऐसा निकला जो आपके सिस्टम में चैनल को तुरंत चेंज कर दिया, तो वहां पर भी क्या है, वहां भी रेडिएशन है, और वो रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्लियर है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये तो हमने बताया, अब जो क्या कहते हैं कि जो डिवाइसेस हैं जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहे हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये कैप्चर कर रहे हैं, इवन जो सनलाइट है, सनलाइट भी एक तरह का क्या है, रेडिएशन होता है, वो भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनता कैसे है, ये होता क्या है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्लार्क मैक्सवेल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है ना। क्लार्क मैक्सवेल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो हम लोग क्लार्क मैक्सवेल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कहाँ से, पहला पॉइंट पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना। जैसे डीमेरिट शुरू हुआ रदरफोर्ड मॉडल का, तो डीमेरिट्स का पॉइंट दिया किसने, डीमेरिट्स का पॉइंट दिया था मैक्सवेल ने ही, तो मैक्सवेल ने ही या मैक्सवेल के कॉन्सेप्ट से ही वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बताया गया है। यानी सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बताया, इसमें 1870 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने
कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई। कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई? उन्होंने कहा कि लाइट हो या एक्सरे हो या गामा रेज हो, एक्सरे हो गामा रेज हो, ठीक है ना, गामा रेज और हीट, लाइट हो एक्सरे हो गामा रे हो या हीट हो, इनमें से कॉन्टिन्यूअसली रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है ना। यानी लाइट एक्सरे गामा रेज या हीट, उसमें से एक तरह का क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है, या इसी रेडिएशन को उन्होंने नाम दिया वेव, एक तरह का वेव निकलता है। और जब इसी रेडिएशन को, ध्यान से सुनिएगा, जब इसी रेडिएशन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, व्हेन दिस रेडिएशन और वेव और कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ द इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइट है, एक्सरे है, गामा रेज है, हीट है, इस सब से एक तरह का रेडिएशन निकलता है, और इसी रेडिएशन को हम वेव भी कहते हैं। और जब इसी रेडिएशन या वेव को हम किसके कॉन्टेक्ट में रखते हैं, हम इसी रेडिएशन या वेव को हम किसके कॉन्टेक्ट में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, दो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रख दें, तो ये जो रेडिएशन है ये एक नया रूप ले लेगा, और इसी रेडिएशन को हम नाम दे देंगे क्या, इसी रेडिएशन को हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसी रेडिएशन को हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब थोड़ा सा छोटा सा एक मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाऊंगा। अब देखियोगे, आप अपने घर में जब भी कोई आयोजन होता है, शादी विवाह का जो फंक्शन होता है, उसमें लोग रामायण करते हैं, उसमें बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगाते हैं, या अपने घर पे भी साउंड बॉक्स रखे होंगे, तो साउंड बॉक्स में जो स्पीकर होता है, स्पीकर के पीछे मैग्नेट लगा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि अगर आप उस मैग्नेट को स्पीकर में से हटा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपने रिमूव कर दिया, आप केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको दे रहे हो सिस्टम को, तो वहाँ जो साउंड है, साउंड भी एक तरह का क्या है, वहाँ पर एक रेडिएशन का काम करता है, तो वहाँ रेडिएशन क्रिएट नहीं कर पाएगा। यानी होता क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जब हम अपने सिस्टम में, डिवाइस में भेजते हैं, तो वो डिवाइस उस इलेक्ट्रिक करंट के लैंग्वेज को मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू उसको ट्रांसलेट करके साउंड के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। यानी हम करते क्या हैं कि जब भी हम कोई सॉन्ग चालू करते हैं, तो सॉन्ग चालू करने के लिए पहले हम डिवाइस में इलेक्ट्रिक करंट भेजते हैं, और जो मैग्नेट लगा होता है स्पीकर में, वो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल करंट में जो लैंग्वेज ट्रांसफर हो रहा है, उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मैग्नेटिक फील्ड स्पीकर के थ्रू साउंड के फॉर्म में हमें बताता है। यानी हमारे स्पीकर के अंदर दो दो फील्ड लगे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो ऐसे में वहां भी एक तरह का रेडिएशन बन रहा है, और उस रेडिएशन को हम नाम देंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यही है जो हमने अभी आपको बताया है, क्लियर है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर।